अयोध्या के राम मंदिर परिसर में एक भव्य ऑडिटोरियम बनने जा रहा है, जिसके लिए अभी भूमि का परीक्षण चल रहा है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। इसके बारे में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि राम मंदिर परिसर में एक ऑडिटोरियम बनेगा, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम करवाएगा। संभव है इसके लिए 15 मई के बाद निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। नृपेंद्र मिश्र ने आगे बताया कि ऑडिटोरियम का नक्शा बन चुका है, भूमि परीक्षण कार्य पूरा होते ही निर्माण शुरू हो जाएगा। विशेष बात यह है कि ऑडिटोरियम में बाहर से आने वाले विशिष्ट साधु संतों के निवास की भी व्यवस्था की जाएगी। इस ऑडिटोरियम की क्षमता करीब 500 व्यक्तियों की होगी। इसके अलावा मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार भी बनाया जाएगा, जिसका वासुदेव कामत आर्ट वर्क करेंगे। वर्तमान में वह परकोटे पर म्यूरल बनाने का काम कर रहे हैं। अब लगभग 15 दिन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स है, मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है, परिसर है, उसमें एक ऑडिटोरियम भी बनने जा रहा है। ऑडिटोरियम का कार्य 15 दिन के बाद शुरू हो जाएगा और ऑडिटोरियम में पूरी व्यवस्था होगी इस प्रकार की कि कम से कम जो कार्यक्रम हो उसमें 500 तक लोग जो हैं वो ऑडिटोरियम में वहाँ पर उनको सुविधा से वो बैठ सकें, कार्यक्रम में भाग ले सकें। ऑडिटोरियम के कुछ अन्य विशेष निर्माण भी होंगे, जिसमें यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो साधुगण, जो विशिष्ट साधुगण वगैरह आएंगे, उनके निवास के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। यह नक्शा बन गया है और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले 15 दिन के बाद, क्योंकि अभी उसका सॉइल टेस्ट हो रहा है, जैसे ही सॉइल टेस्ट का कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। वह कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम करेंगे। प्रथम तल पर राम दरबार होगा। राम दरबार का चित्र जो है, आर्ट वर्क जिसको कहते हैं, वह वर्तमान में जो आर्टिस्ट लोअर प्लिंथ के म्यूरल पर काम कर रहे हैं, वासुदेव कामत जी, वही राम दरबार पर कार्य करेंगे।